ओम नमः शिवाय। क्या होती है कावड़, कैसे बनती है कावड़, कितनी तरह की होती है कावड़, क्यों चढ़ाई जाती है कावड़, इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको मेरे इस वीडियो में मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सावन शुरू होने वाले हैं, भक्तों का कावर उठाने का सिलसिला शुरू होने वाला है। बांस की पट्टी, फूलों की सजावट, घुंघरू, घंटी, पीले या नारंगी कपड़े से सजाकर, किसी भी पवित्र गंगा जी से गंगा जल भरकर, ढोल नगाड़े बाजे गाते शिव महिमा गाते हुए शिवालय तक पहुंचकर गंगा जल चढ़ाने की परंपरा को कावड़ कहते हैं। महादेव को प्रसन्न करके मनोवांछित फल को प्राप्त करने का विशेष महा है सावन। कोई कहता है परशुराम जी थे पहले कावड़िया, तो कोई कहता है पहला कावड़िया रावण था क्योंकि वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वहीं कहीं श्री राम का भी वर्णन है, श्री राम ने भी सदा शिव को कावड़ चढ़ाई थी। श्री राम ने कावड़िया बनकर देवघर स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया था। एक मान्यता के अनुसार श्रवण कुमार थे पहले कावड़िया। कहा जाता है कि कांधे पर कावड़ रखकर भोले के जयकारे लगाते हुए पैदल चलने से अश्वमेघ यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। आइए अब बात करते हैं कितनी तरह की होती है कावड़। पहली कावड़ जो सामान्य कावड़ होती है, इस कावड़ को उठाने वाला जहां चाहे वहां रुककर आराम कर सकता है। आराम करने के दौरान कावड़ को स्टैंड पर रखा जाता है जिससे कावड़ जमीन को न छू पाए। एक और अन्य प्रकार की कावड़ जिसे डाक कावड़ कहते हैं। इस तरह की कावड़ में कावड़िया लगातार चलते रहते हैं बगैर रुके हुए। तय समय के अंदर शिवालय तक पहुंचना होता है। इस दौरान नित्य क्रिया करना भी वर्जित होता है। तीसरी तरह की कावड़ को खड़ी कावड़ कहते हैं। इस दौरान कावड़िया की सहायता के लिए कोई ना कोई सहयोगी उनके साथ मदद के लिए तैयार रहता है। जब वह कावड़िया आराम करता है तब कावड़ को दूसरा सहयोगी अपने कंधे पर लेकर हिलाते डुलाते रहता है। चौथी तरह की कावड़ को हम डांडी कावड़ कहते हैं क्योंकि इसमें कावड़िया नदी से शिवधाम तक की यात्रा दंड करते हुए पूरी करते हैं, अर्थात लेट कर लंबाई को नापते हुए शिवालय तक पहुंचते हैं। ये सबसे कठिन कावड़ होती है, इसमें समय भी अधिक लगता है। इस तरह से ये चार प्रकार की कावड़ का वर्णन है। बोलो ओम नमः शिवाय।